हेलो फ्रेंड्स, वार्लू जंक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और एक खास खबर जो जुड़ी हुई भैया बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यानी कि यशराज फिल्म से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस साल यशराज अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है और इस उपलक्ष्य में बताया जा रहा है कि यशराज बहुत सारी फिल्मों का अनाउंसमेंट करेगी और इन फिल्मों में बॉलीवुड के जाने माने सितारे काम करते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच में यशराज से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यशराज भी देश के लिए आगे बढ़ चढ़कर योगदान कर रहा है। आपको तो पता ही है कि इन दिनों कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व जो है वो परेशान है, यानी कि इस वायरस की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोगों की जान इस वायरस की वजह से खतरे में आ चुकी है और इस वायरस ने हमारे देश में भी दस्तक दे दी है और इस वायरस की वजह से कई सारे लोग हमारे देश में ग्रसित हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों, इस विपदा की घड़ी में देश की मदद के लिए कई सारे लोग आगे आ रहे हैं। तो भैया, आज यशराज फिल्म से भी एक ऐसी खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि डेली मजदूरों की मदद करने के लिए, यानी कि बॉलीवुड में काम करने वाले डेली मजदूरों की मदद करने के लिए यशराज फिल्म ने भी 1.5 करोड़ रुपए दान किए हैं, जो कि काबिले तारीफ है बॉस। तो ये खबरें सुनकर यार दिल वाकई में बहुत ही खुश हो जा रहा है कि भैया इस तरीके से हमारे जो बॉलीवुड के मेकर्स हैं, जो स्टार हैं, वो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि कितना यूनाइट है हमारा देश इस कोविड-19 के सामने, यानी कि कोविड-19 हमसे जीत नहीं सकता, इस एकता से वो हारेगा जरूर, आप लोग देखिएगा। और मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि जो सरकार के दिशा निर्देश है उसका पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने लोगों का ध्यान रखें, देखिएगा विजय हमारी ही होगी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप कोरोना वायरस से लड़ने का तैयारी किए हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।